Good morning, students. Today we'll start a new chapter of civics. This is chapter number 4, working of institution. जैसे आपने पार्लियामेंट के बारे में सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा और उनकी वर्किंग के बारे में सुना होगा, तो आपने ये भी समझा होगा कि किस तरह से ये वर्क करेंगे. तो इसी के लिए आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हाउ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्किंग अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव. तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये क्या है, चेक एंड बैलेंस फॉर्म है. ये एक दूसरे के काम को चेक करती है और बैलेंस करती है. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. अगर जो मेजर पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपने सुने होंगे कि अभी ये इशू चल रहा है, अभी वो इशू चल रहा है, तो ये इश्यूज़ किस तरह से बाहर आते हैं और इनके बारे में डिसीज़न कौन लेता है. तो हम इसकी शुरुआत में पढ़ते हैं ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में. ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है. ये देखने में एक लेटर टाइप होता है, यानी कोई भी जो मैटर होता है उसे गवर्नमेंट ऑर्डर से ही पास किया जाता है. ये इंटरनल जो जितने भी मैटर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैटर होते हैं, डे टू डे फंक्शन के जो मैटर्स होते हैं, वो लेटर के रूप में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इनको दिया जाता है और उसके ऊपर मेमोरेंडम नंबर लिखे जाते हैं. और ये क्या कहलाता है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो इसके ऊपर सिग्नेटरी अथॉरिटी के रूप में साइन करता है और प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बाद, यानी उनकी सहमति के बाद ही ये इश्यू किया जाता है, यानी जारी किया जाता है. तो हम देखेंगे कि ये ऑफिस मेमोरेंडम की शुरुआत कब हुई थी. जैसे कि अगर डिसीज़न मेकर हम देखते हैं उससे पहले, तो डिसीज़न मेकर कौन होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, यानी वो पूरी कंट्री के हेड होते हैं, हर चीज़ के हेड होते हैं. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सारे इश्यू, सारे मैटर उनके ही थ्रू प्रेसिडेंट तक पहुंचाए जाते हैं. तो ये क्या होते हैं, एक मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट के बीच के, और डिसीज़न में ये प्रेसिडेंट की हेल्प भी करते हैं. और फाइनल डिसीज़न मेकर कौन होता है, जो लॉ मेक करते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी होती है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग. सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, यहीं से कानून बनते हैं. अगर उसमें कोई अमेंडमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वो पार्लियामेंट के ही थ्रू होता है. प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट के एक्सेंट यानी सहमति के बाद ही किसी भी तरह का बदलाव किया जाता है. तो अभी हम ऑफिस मेमोरेंडम की बात कर रहे थे कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है. तो इसकी थोड़ी जानकारी आपको हुई होगी कि ये डे टू डे के जो ऑफिशियल वर्क या इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको पास करते हैं और ये पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाता है आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन. तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये स्टार्ट कब से हुआ था, इसका बर्थ कब से हुआ था. तो इसका बर्थ जब हुआ था तो वो एक बहुत ही बड़ा मैटर था, बहुत ही बड़ा इशू था. वो इशू था रिजर्वेशन का, आरक्षण का. यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए कुछ रिजर्वेशन दिए थे. लेकिन ये जो आरक्षण था, ये जो रिजर्वेशन था, वो क्या था, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आइए देखते हैं. इसमें जो 13 अगस्त 1990 को इसको 27% रिजर्वेशन मिला. अभी जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी एक कमेटी बनाई गई इसके लिए, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस सेटअप इन 1979.
सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप किया गया और उसकी जो लीडरशिप या उसके जो हेड बनाए गए वो कौन थे, बीपी मंडल। और उन्हें ये बोला गया कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आपको रिव्यू देना है। और उस कमेटी ने इंक्लूडिंग ऑल बैकवर्ड क्लासेस अपने रिव्यू दे दिए गए कि किस क्लास को कितना रिक्वायरमेंट है और कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने रिव्यू लेने के बाद अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट कर दी, यानी कि पार्लियामेंट को पेश कर दी। और उस पर एक लंबी बहस के बाद प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दे दी, यानी अपना एसेंट दे दिया। और उस समय जो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ऑफिशियली बोथ द हाउसेज यानी लोकसभा एंड राज्यसभा में ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैटर बना और इस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई और बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध जनरल कास्ट ने भी किया। हॉट डिबेट्स, डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में प्रिंट हुए, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट हुए, पीपल एंड एसोसिएशन अप्रोच कोर्ट यानी कोर्ट में भी केस फाइल किए गए, प्रोसीडिंग हेल्ड विथ 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस, इन्होंने भी इसको सुना, देखा, बहस को सुना और पता लगाया कि क्या ये सही है, और डिक्लेयर्ड द ऑर्डर वैलिड इन 1992 और कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को वैलिड दे दिया, करार दे दिया कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये बिल्कुल सही है, बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाना चाहिए ताकि वो कास्ट भी आगे आ सके। तो इसके लिए कोर्ट ने भी 1992 में इसको वैलिड कर दिया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसको इश्यू कब किया था, इसको 13 अगस्त 1990 और इसका नंबर था 36012। आपने अपनी बुक में एक नीचे लेटर देखा होगा जिसमें सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से लेटर इशू है। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम इस तरह से लेटर में के रूप में होते हैं और उसे इशू कौन करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में इशू होते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। तो आपको समझ में आया होगा कि बीपी मंडल कमीशन ने जो अपना रिव्यू दिया बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो अप्रूव्ड हुआ और 27% रिजर्वेशन उनको दिया गया।